सब बातों पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं हादसे से जुड़ी एक एक अपडेट। कब, कैसे, कहां हुआ हादसा, किसकी गई जान, सबसे पहले कहां हुआ हादसा, ये आपको बताते हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर कहां पर हादसा हुआ। कल्याणी नगर पुणे में यह हादसा हुआ और उसके बाद हाहाकार मच गया। कल्याणी नगर पुणे का बताया जा रहा है, महाराष्ट्र का कल्याणी नगर। बाइक सवार दो इंजीनियरों की इस हादसे में मौत हो गई। लड़का और लड़की बाइक पर सवार होकर के जा रहे थे, हादसे का शिकार हो गए। कैसे हुए, तेज रफ्तार गाड़ी आ रही थी और दोनों को कुचलती हुई, घसीटती हुई ले गई और दोनों मासूमों की, इंजीनियर्स की मौत हो गई। ये सवाल सिस्टम पर है कि आखिर तेज रफ्तार गाड़ी क्यों थी। पुणे के मशहूर बिल्डर, जी हां, आरोपी के पिता कौन है, मशहूर बिल्डर हैं पुणे के, और इस पर भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि मशहूर बिल्डर हैं तो ऐसा रसूख रखते हैं क्या कि नाबालिग को गाड़ी दे दी और सड़कों पर गाड़ी वो नाबालिग दौड़ा रहा है, वो भी नशे में चूर होकर के। कैसे हुआ हादसा, लग्जरी कार ने बाइक को टक्कर मार दी और ये भीषण हादसा हो गया। गाड़ी तेज रफ्तार में थी, 200 की स्पीड में ये गाड़ी थी, जिस वजह से ये हादसा होना बताया जा रहा है। कोर्ट ने आखिर क्या कहा, ये भी आपको बताते हैं। 300 शब्दों का निबंध लिखने की सजा, सिर्फ 300 शब्दों का निबंध लिखकर उसे छोड़ दिया गया, बरी कर दिया गया। ये बड़ा सवाल है कि क्या सिर्फ निबंध लिखने से, निबंध मात्र लिखने से क्या यहां पर आरोपी का आरोप खत्म हो जाता है, क्या वो जाने वापस आ जाएंगी जो चली गई हैं? ये बड़ा सवाल यहां पर है कि आखिर एक निबंध लिखने के बाद उसको छोड़ दिया गया। तो ये बड़ा हिट एंड रन केस जो सामने आया है, इसमें आप कई सारे सवाल उठने लगे हैं कि जो नाबालिग है, नशे में चूर था और सड़कों पर गाड़ी दौड़ा रहा था लंबे वक्त से, और एक दिन वो दिन आया जिस दिन ये बड़ा हादसा हुआ और दो इंजीनियर की जान चली गई। अब ये देखना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा कि इस पर क्या एक्शन लिया जाता है, इन लोगों पर क्या कार्रवाई होती है जो रसूख रखते हैं, अपनी रईसी का रौब दिखाते हैं और सड़कों पर इस तरह गाड़ियां दौड़ाते हैं बिना सोचे समझे। खास चर्चा करेंगे हमारे साथ अखिलेश अवधिया, अनीश के ताऊ हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं। अखिलेश जी, मैं ये आपसे ये तो नहीं पूछ सकती कैसे हैं आप, चूंकि जिनके ऊपर बीत रही है वो तो वही जाने, घर का माहौल बहुत ज्यादा अलग होगा। आखिर आखिरी बार अखिलेश की कब बात हुई थी घर पर? मेरी 1.5 महीने पहले बात हुई थी फोन से। क्या कहा था जब अखिलेश से बात हुई थी? जैसे नॉर्मल बात होती है, हाल चाल लिया मैंने, उसने अपना हाल चाल अच्छा बताया कि मेरे को, मेरी कंपनी दुबई मेरे को भेज रही है उस काम के लिए। पहली बार मैं जा रहा हूँ बाहर, मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और फिर वो दुबई भी गया था, फिर चल रहा था कि वो मल्टीनेशनल कंपनी में उसको शिफ्ट करने की कोशिश कर रही और वो जाना भी चाह रहा था, और लंदन में एडमिशन अगली उसके लिए पढ़ाई के लिए, मार्केटिंग के लिए करना चाह रहा था, कुछ दरमियान ये हादसा हो गया। अखिलेश, कई सारे सपने संजोया हुआ था, परिवार को भी कई सारी उम्मीदें थी, और जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं कि दुबई जाने वाला था, वहाँ पर से ऑफर था, सेटल होने वाला था, सारे सपने चूर चूर हो गए। आखिर जो मांग, कार्रवाई की मांग परिवार कर रहा है, किस तरह से देख रहा है, क्या क्या मांगे आपकी सरकार से? हमको तो न्याय चाहिए, जिस प्रकार से सिस्टम काम किया पूरा, तो ये समझ में नहीं आता कि सिस्टम है भी कि नहीं है। एक नाबालिग जिसको कह रहे हैं नाबालिग, वास्तव में नाबालिग नहीं था, उसको सिर्फ उम्र से नाबालिग नहीं होता है, उसके कृत्य नाबालिग के कतई नहीं थे, उसके पिता और माँ बाप जो उसको संस्कार जिस प्रकार से दिए, पैसे वाली रईस की पार्टी होने के कारण, वो तो आज अनीस था और वो लड़की थी, इसमें तो कोई भी हो सकता था। वो तो हादसा तय था कि जब दारू पी के निकला और 250 की स्पीड से 220 की स्पीड से गाड़ी चला रहा है तो किसी न किसी को मारेगा जी। ये मारेगा या खुद मरेगा, ये तो तय है, इसमें कोई वो नानुकुर की बात ही नहीं थी।
अब ये था कि चांस इनका था, ये सामने पड़े और इनकी मौत हो गई, और ये पूरा सिस्टम फेल्योर है पुलिस का, प्रशासन का, कि कैसे पब रात को खुले रहते हैं, कैसे किशोरों को दो दो पब में जाके दारू पीता है, ट्रैफिक पुलिस के नियम कहाँ जाते हैं जब ये इस प्रकार से लोग गाड़ी इतनी तेजी स्पीड से चलाते हैं सड़कों पर, वो भी बिल्कुल शहर के वो फोर से इलाके में, तो कुछ कहते नहीं बन रहा है कि क्या कहें क्या है। जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बाद पुलिस आरोपी को लेकर के थाने पहुंची और उसके बाद कुछ ही घंटों में उसे छोड़ दिया गया सिर्फ एक निबंध लिखवा करके, आखिर इसे आप किस तरह से देखते हैं? जो जुवेनाइल कोर्ट है, जो जुवेनाइल कोर्ट में जो बोर्ड बोल बैठता है, वो इतने काबिल लोग शासन प्रशासन ने या न्यायालय ने नहीं बैठा रखे हैं कि वो तथ्यों को उस प्रकार से निष्कर्ष निकालें, या पुलिस ने उस प्रकार से अपने तथ्य नहीं रखे न्यायालय में कि वो सही निष्कर्ष निकाल पाते, और ये एक मजाक सा बन के रह गया। दो सॉफ्ट इंजीनियरों की हत्या हो जाती है और उसको ये बेल इस बेस पे मिल जाती है कि नहीं वो 300 शब्दों का निबंध लिखे और उसको साइट्रिक के पास जाए और ट्रैफिक पुलिस में जाए और वहां 15 दिन के अपने उनके साथ काम करे और देखे समझे। ये एक मजाक, ये उनके लिए है जो वास्तव में किशोर हैं, जिसने दारू नहीं पी थी, जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस था, जिसका गाड़ी का रजिस्ट्रेशन है, वो उनके लिए इस प्रकार से नियम कानून के लिए है, जिनके पास कुछ नहीं था, वो तो सुसाइडल बम था एक प्रकार से। ये न्यायालय को देखना चाहिए था, और वो 17 जो उसका पुलिस की भी यहाँ कमी है, वो डॉक्टर की भी कमी है, दो दो पब में वो दारू पी रहा है और पुलिस ने कब उसका मेडिकल कराया कि उसकी रिपोर्ट निगेटिव आती है, ये बिल्कुल एक सिस्टम समझ में नहीं आता कि वास्तव में पुलिस है भी कि नहीं, और डॉक्टर साहब को कुछ मिला कि नहीं, ये बड़ा एक वैसा प्रश्न है। और पुलिस ने वहां नेगेटिव रिपोर्ट की रिपोर्ट कैसे के आधार पर उनको बेल मिली, किस प्रकार से बेल आउट हो गया, ये समझ से परे। बड़े महानगरों की हम बात करें तो व्यवस्थाएं, कानून व्यवस्थाओं की बात करें तो बहुत तारीफ की जाती है कि सब कुछ व्यवस्थित है, यहाँ के प्रशासन बहुत ज़्यादा सजग रहता है, तत्काल रूप से कार्रवाई होती है। जिस तरह की तस्वीर हमने देखी, दो बच्चों की जान चली जाती है, क्या आप यहाँ पर मानते हैं कि यहाँ पर रईसी रसूख ऐसे रईसों का बहुत ज़्यादा चलता है और इसी वजह से कहीं ना कहीं कई सारी परेशानियां यहाँ पर होती हैं और लोगों की जान भी चली जाती है, संरक्षण कुल मिलाकर के इनको मिलता है? जी, इस केस में तो पूर्णतः है, ये दिख रहा है कि रईसी का रसूख सर चढ़कर बोलता है। जब उनकी डेथ होती है स्पॉट पे, वो पकड़ा जाता है तो पुलिस उसको अगले दिन 15 घंटे के अंदर उसको पेश करती है और उसमें जुवेनाइल कोर्ट बैठती है और उसने इस प्रकार का हंसी मजाक टाइप का के निबंध लिखी और इस प्रकार से उसको बेल आउट हो जाता है। इधर तो ये है, इधर उसके परिजन है जिनको हमको सूचना मिलती है 4 बजे, हम यहाँ से गाड़ी से चलते हैं, हमको कोई फ्लाइट भी नहीं मिलती है वहाँ से, जबलपुर से हम लेना चाहते हैं उनकी, 8 बजे तक वो फ्लाइट नहीं मिल पाती, हम बाई कार आते हैं और वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाते हैं। उसकी बुआ बॉम्बे से, उसके फूफा वहाँ पहुँचते हैं हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल में हम गुहार लगाते हैं कि भाई उनको बॉडी के लिए एक रेफ्रिजरेटर हमको या बॉडी को दे दिया जाए क्योंकि पोस्टमार्टम आप अभी नहीं कर रहे हैं। तो वो 9:30 बजे तक उस दिन आपको सुबह गुजरात की घटना है, तो वहाँ बॉडी के लिए उसको रेफ्रिजरेटर के लिए डिकम्पोज होती जाती है बॉडी, ये 4th दिन हमारे शहर में बॉडी रहती है, उसकी ये पोजिशन रहती है कि हम उसको उठा रख नहीं सकते। ये जो वहाँ का सिस्टम है हॉस्पिटल का, तो क्या कोई बाहर का लड़का है किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, परिजन नहीं होते हैं, उसकी पहुँच नहीं पाते, तो क्या उसको उसकी बॉडी को भी इतना सम्मानजनक तरीके से नहीं रखा जा सकता उसको पोस्टमार्टम के पहले? कौन सी ऐसी कानून है और विधाएं हैं कि भाई उनको कि हम बिना पोस्टमार्टम के उसको वहाँ नहीं रख सकते कि बॉडी इसकी वो हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा? वहाँ का उन्होंने ये बोला परिजन को कि नहीं, हम उसको जब तक पोस्टमार्टम नहीं हो जाता हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो पोस्टमार्टम होना और तब होगा जब उसकी बॉडी संरक्षित रहेगी। इस प्रकार का और भी सिस्टम देखना, जो रिपोर्ट करने गए तो आसानी से रिपोर्ट नहीं लिखी गई,
जब सोशल मीडिया में और उसमें चलने लगा तो रिपोर्ट लिखी गई, रिपोर्ट भी जिस प्रकार के चार्जर लिखना चाहिए था कि दारू पी रहा था रिपोर्ट में। अखिलेश जी, मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी, आपके पास वापस लौटूंगी। सीबीएचई बड़ी जानकारी दर्शकों को दे दे, आपको भी बता दे, पुणे हिट एंड रन केस में बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी अग्रवाल परिवार का अंडरवर्ल्ड कनेक्शन बताया जा रहा है। आरोपी के पिता सुरेंद्र अग्रवाल का छोटा राजन से संबंध भी रहा है। भाई के साथ संपत्ति विवाद में ली थी छोटा और राजन की मदद। छोटा राजन के खास गुर्गे विजय से की थी बैंक में मुलाकात। ये बड़ी जानकारी इस वक्त निकल करके सामने आ रही है, बड़ा खुलासा। आरोपी अग्रवाल परिवार जो है वो अंडरवर्ल्ड कनेक्शन इसका सामने आया है। आरोपी के पिता सुरेंद्र अग्रवाल का छोटा राजन से संबंध रहा है। भाई के साथ संपत्ति विवाद में जो है छोटा राजन की मदद भी इनके द्वारा ली गई थी। छोटा राजन के खास गुर्गे विजय से बैंक में मुलाकात भी इसकी हुई थी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। रईसों का रसूख ये तो दिख ही रहा है, साथ ही साथ परिवार का अंडरवर्ल्ड कनेक्शन भी सामने आया है। अखिलेश जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, अनीश किताऊ हैं। अखिलेश जी, आपने भी सुना होगा कि अंडरवर्ल्ड कनेक्शन इनका सामने आया है। आखिर जो हम बात कर रहे थे कि इनका रसूख रईसजादों का जो है, जो इतना आसमान छू रहा है, इतना बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं से संरक्षण है, कहीं ना कहीं सपोर्ट है, अंडरवर्ल्ड कनेक्शन भी यहाँ पर कहा जा रहा है, किस तरह से देखते हैं आप? एक बात है, जब अनलीगल काम होता है तो हम लीगल लोगों से उन लोगों के रिलेशन होते हैं, जो बड़े बड़े प्रॉपर्टी डीलर होते हैं, जो बिल्डर होते हैं, ये कहीं ना कहीं से अंडरवर्ल्ड का इनका कनेक्शन होता है, मदद इनको एंड एंड पार्टनर वहाँ से लेते रहते हैं और जिसके दम पर इनका बिजनेस और इतना बड़ा रसूख खड़ा रहता है। और प्रशासन इसीलिए इनमें इतनी आसानी से हाथ नहीं डालता। वो तो कल एक्सीडेंट हुआ और ये हुआ, इसके पहले भी वो गाड़ी चलाता रहा होगा क्या? ट्रैफिक पुलिस या कोई इस प्रकार के जो कभी पकड़ नहीं किया? जगह जगह डिजिटल आजकल कैमरे लगे हुए हैं जो स्पीड को नोट करते हैं, तो और बिना रजिस्ट्रेशन के गाड़ी, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के, तो ये रसूख का ही तो कमाल है कि वो तो जब हत्या हो जाती है तब आज ये पता पड़ रहा है। ऐसे तो और लोग होंगे, ये तो एक उदाहरण है समाज के सामने छोटा सा। ये बड़े शहरों के लड़कों को अब सोचने की बात हो गई है, उनके पेरेंट्स को, कि हम बड़े शहरों में इस प्रकार से अपने बच्चों को भेजें कि ना भेजें। और अखिलेश जी, सवाल यहाँ पर यह भी है कि कुछ ही देर बाद, कुछ ही घंटों में कोर्ट का बड़ा फैसला भी आ जाएगा, जुनाइल कोर्ट का। क्या उम्मीदें आखिर आपको हैं, चूंकि सिस्टम पर भी आप सवाल खड़ा कर रहे हैं, प्रशासन पर भी, तो क्या लगता है, क्या जो आपकी मांगे हैं, जो आप चाहते हैं न्याय, वाकई में आज जो फैसला आएगा वो क्या उसके अनुरूप होगा? क्या उम्मीदें हैं आपको? देखिए, जिस प्रकार का केस है और जिस प्रकार के तथ्य यहाँ निकल के आ रहे हैं, तो उसको जैसे निर्भया कांड में हुआ था, न्यायालय की फाइंडिंग्स हैं कि 18 साल से 17 साल से ऊपर, 8 महीने का है लड़का, 7 महीने का है, तो उसको एडल्ट माना जाना चाहिए। यहाँ जो जुवेनाइल कोर्ट है, या किस प्रकार का उन्होंने ये सोचा और इसको वो नहीं माना, माइनर माना, ये एक बड़े वैसी बात है। अब इसको इस पर कोर्ट के आदेश पर मैं क्या टिप्पणी कर सकता हूँ? बल्कि जो हम लोग रोज देखते हैं कि भाई जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के आदेश होते हैं, उसकी फाइंडिंग आती है, उनके आधारों पर निर्णय होना चाहिए। यहाँ 17 साल 8 महीने था तो उसको मानना चाहिए था। और इसमें तथ्य थे कि वो खुद दारू पीने गया था, किसी ने उसको बुलाया, निमंत्रण नहीं दिया था, और उसके पास ये इतना बड़ा बच्चा था, वो जानता था कि मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, मेरे को गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। ये भी जानता था कि मेरी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नहीं है, मेरे को गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। तो उसके जो पूरे कृत्य हैं वो एडल्ट के कृत्य हैं, ना कि किसी माइनर के कृत्य हैं। इसलिए इस प्रकार का जो निर्णय हुआ वो बड़ा ही दुखदायी है, हम लोगों के लिए तो बहुत ही पीड़ादायक है कि हम लोग अंत्येष्ट भी नहीं कर पाए और उसको दो जो हत्या किया है एक प्रकार से, उसको बेल मिल जाती है और घर में वो अपने चला जाता है, निबंध लिखता है और पुलिस के साथ अपने गाय बगाए ट्रेनिंग करता है। इस प्रकार का निर्णय जो वहाँ बैठे हुए लोग हैं, जो जुवेनाइल कोर्ट में जो एक बोर्ड बैठता है, उनकी सूक्ष्म में जो विश्लेषण करना चाहिए तथ्यों का, उनको ये भी वो प्रभावित थे या उनमें क्षमता नहीं है, मैं नहीं कह सकता कि वो क्या सोच के उन्होंने इस प्रकार का उन्होंने कंडीशन दिया।
क्या लगता है, आप सभी क्या सोचते हैं, आखिर किन किन पर कार्रवाई होनी चाहिए? संलिप्तता तो क्योंकि बहुत सारे लोगों की है, चाहे हम जहां पर शराब पब में पी गई वहां पर भी आखिर कैसे नाबालिग को शराब परोसी गई, बाप को पता था कि बच्चा नाबालिग है फिर भी उसके हाथ में गाड़ी दे दी गई, पता था दारू पीता है शराब का सेवन करता है फिर भी गाड़ी दे दी गई, नालायक औलाद है फिर भी गाड़ी दे दी गई। क्या अपनी बच्चों की हरकतों से ऐसा बाप वाकिफ नहीं होगा और बिना वाकिफ हुए क्या ये कर दिया गया? क्या लगता है किन किन पर यहाँ पर कार्रवाई होनी चाहिए? तो कानून है कि भाई पिताजी को ही उनके भाई ये सोचना चाहिए कि मेरे लड़का दारू पीता है, नाबालिग है, लाइसेंस नहीं है, मैं उसको इतनी बड़ी गाड़ी ना दूं। ये जो वो तो इसमें क्या कह मैं सहयुक्त के रूप में इन्वॉल्व है, ठीक है, आज अनिस गया है, ये तो कोई भी जा सकता था, जो भी सड़क में चलेगा उसकी जान खतरे में है। ये देख के इस केस से ये समझ में आ रहा है कि जान अपनी हथेली में लोग लेके सड़कों में चल रहे हैं। यदि इस प्रकार से रईस जादू को कंट्रोल नहीं करता है शासन प्रशासन, तो और एक नई जुवेनाइल कोर्ट में तो एक नई परपार्टी इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है, जो सुपारी किलिंग होती है इस प्रकार का एक नया इन्होंने एक ईजाद किया है कि किसी भी नाबालिग को पकड़ो, उसको कुछ पैसे दे दो, बोलो कि भैया इसको का गाड़ी चढ़ा दो और तुमको बेल में आउट करवा लूंगा। ये एक नई प्रकार की सुपारी किलिंग का एक नया फंडा इन्होंने ईजाद करके दिया। ये समाज के बीच में बहुत बड़ी एक क्या कहें कि क्या वो तय करना चाह रहे हैं, एक नया, अभी तक तो गोली बंदूक से मारा जाता था लोगों को, ये नया उन्होंने एजेंडा ये समाज के बीच में आया और ये समाज के लिए बहुत ही दुखदायी है इस प्रकार का कृत्य कि ये माफिया से ये जुड़े हुए हैं या इस प्रकार की खबरें आ रही हैं, तो माफिया इसका बहुत इस कानून का जुवेनाइल को जो आज इस प्रकार से बेल मिली है इसका दुरुपयोग करेगा। वो किसी भी नाबालिग को पकड़ेगा और बोलेगा बेटा इसको चढ़ा दो और मैं तुम्हारी बेल करा लूंगा। ये सुपारी किलिंग का एक नया तरीका होगा जो समाज के लिए बहुत ही खतरनाक होगा। हमें लगता है थोड़ा इंतजार कोर्ट के फैसले पर भी हमें करना चाहिए और भरोसा रखना चाहिए। इस वक्त दुख की घड़ी है, सभी बहुत ज्यादा उदास हैं, घर में माँ रो रही है, तस्वीरें में लगातार देख रही थी अनीस की माँ की कि वो कितना बिलखते हुए रो रही थी और कह रही थी मेरे बेटे को वापस ले आओ। क्या क्या चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इस वक्त याद आ रही हैं अनीस की? अखिलेश जी, अखिलेश जी, बहुत सारी चीज़ें होंगी जिससे जुड़ाव घर वालों का अनीस से रहा होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस वक्त याद आ रही होंगी अनीस से जुड़ी, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं आपको परिवार को? जी देखिए, अनीस परिवार का तो था ही और वो इस टाउन, हम बहुत छोटा टाउन है, बिल्डिंग पानी में रहता था, उसका पास यहाँ से इसके बाद वो पढ़ाई करने के लिए पुणे चला गया, वहीं पर उसने पढ़ाई की इंजीनियरिंग की और वहीं जॉब कर रहा था 2 साल से। उसका जो जहाँ वो खड़ा हो जाता था वहाँ ही उसके दोस्तों को, ऐसा नहीं था कि उनको जरूरत पड़ती थी, जहाँ वो खड़ा हो जाए वहीं उसके दोस्त बन जाते थे। उसका व्यवहार इतना उम्दा था, इतना वो था कि अब कुछ कह नहीं सकते, इसलिए उसको जो कंपनी है अपने ऊपर की भेज रही थी रिलेशन की उसमें कि भाई इसका जो व्यवहार है बहुत व्यवहार कुशल है बात करने में, इसलिए उसको प्रमोशन पर प्रमोशन दे रही थी, कंपनी बड़ा पैकेज दे के बाहर गई। यहाँ भी यही पोजीशन थी, घर में भी जब भी कहीं आता था कार्यक्रम में तो पूरा कार्यक्रम का भार और पूरा मैनेजमेंट वही संभालता था, अब वो नहीं रहा तो बहुत चुलबुला था, लोगों से घुल मिल जाता था बहुत जल्दी, बहुत सारी बातें करता था, व्यवहार अच्छा था, ना सिर्फ परिवार और जो उसके दोस्त भी होंगे सभी उसे याद कर रहे होंगे। घर पर आप कह रहे हैं कि 2 साल से वो बाहर था, फ्रीक्वेंटली घर पर भी आता रहता होगा, आखिरी बार कब वो घर आया था, मध्य प्रदेश कब अपने घर पहुंचा था? अभी महीने भर पहले आया था। कैसा था, खुश था, क्या बातचीत कर रहा था? बहुत ही खुश था, अपनी माँ से भी बताया था कि मैं मेरे को कंपनी बाहर भेज रही है और इसके बाद फिर भेजेगी, और वो अभी जब दुबई से वापस आया था तो ही फोन में 3 दिन पहले ही बताया था कि मैं सबके लिए सामान लेके आया हूँ और वो सामान आज भी वहीं पर उसके कमरूम में है,
बहुत सारे उसने परफ्यूम वर्फ्यूम अपने भाई बहनों के लिए छोटे छोटे मिलाए थे जो उसके माँ फूफा मौसी के हैं, और वो सब इंतजार में थे। ये घटनाक्रम हुआ और इस प्रकार की हादसा की सूचना। सभी से इतना जुड़ाव, लगाव, इतने सारे तोहफे लेकर आया कि मैं घर जाऊंगा, अपने माता पिता भाई बहनों को ये सब तोहफे दूंगा जो बाहर से मैं दुबई से लेकर आया हूँ। सभी को इंतज़ार होगा कि कब मेरा बच्चा घर आएगा और हमसे आकर के मिलेगा, कैसी वो यात्रा उसकी रही बाहर की और हमारे लिए क्या क्या लाया है, ये सब को लेकर भी चर्चा हो रही होगी। अभी अनीस की माँ की क्या हालत है, क्या वो कह रही हैं? देखिए, अभी उनकी हालत इतनी सही नहीं है। जैसे उनको याद आता है वो रोटी गाती हैं और मूर्छित हो जाती है। उनको समझाना बड़ा एक दुष्कर काम है कि आज उनका बच्चा नहीं था, और विभिन्न प्रकार की यादें, बच्चे ही था, मैं क्या बताऊं क्या क्या यादें। अखिलेश जी, जो पूरा घटनाक्रम हुआ, जान चली गई अनीस की, आखिर जब ये घटनाक्रम हुआ उससे पहले कब घर पर उसकी बातचीत हुई थी या चर्चा हुई थी, कहाँ जा रहा था, इस बारे में कुछ जानकारी दी होगी? नहीं, उस दिन तो नहीं हुई थी, उसके 3 दिन पहले ही हुई थी, माँ से चर्चा हुई थी। माँ ने बताया कि फोन किया था कि ऐसा ऐसा आना है और इस प्रकार से मैं दुबई गया था, वहाँ से ऐसे चलाया हूँ, ये रखा हुआ है और मिलना चाहता हूँ, आना चाहता हूँ। ये सब माँ से ज़्यादा उसका इंट्रैक्शन था और माँ से ही बातें होती थी, पिताजी से कितनी बातें नहीं होती। माँ से वो बहुत ही लगभग बात करता था दूसरी तीसरी। न्यूज 18 पर इस वक्त आप बैठे हैं, पूरा देश आपको सुन रहा है, आखिर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या आपकी मांगे हैं, एक बार बताइए आप। सिस्टम को एक मुहिम चला के फ्रेश करने की आवश्यकता है, रिफ्रेशमेंट की आवश्यकता है। कानून तो बहुत बने हैं, जो उसको लागू कराने वाली एजेंसियां हैं सब फेल्योर है पूरा टोटल, इस घटनाक्रम से देखने में आता है। कानून बने होंगे कि पब की टाइमिंग क्या होना चाहिए, किसको दारू पिलानी है किसको नहीं पिलानी, कानून बना है नाबालिग को नहीं पिलाना है, क्या टाइमिंग है ये भी है। ट्रैफिक रूल्स बने हैं, आरटीओ को आरटीओ के दफ्तर से गाड़ी रजिस्ट्रेशन के बिना एजेंसी से नहीं निकल सकती है। आरटीओ का रूल है कि बिना ड्राइविंग लाइसेंस के नहीं चलाया जा सकता है। कंट्रोल करने का काम ट्रैफिक पुलिस का है, ट्रैफिक पुलिस उसको कंट्रोल नहीं करती है, आरटीओ बिना रजिस्ट्रेशन के गाड़ी को चलने देता है। तो सिस्टम वो कानून तो सब बने हैं, बल्कि सिस्टम का पूरा फेल्योर है। एक्सीडेंट होता है और कहीं ना कहीं उसमें सुधार की जरूरत है, बहुत बड़ी क्षति। और ये दुख की घड़ी में न्यूज 18 भी आपके साथ है और भगवान से हम भी यही प्रार्थना करते हैं कि ये दुख की घड़ी में आपको ये सब कुछ सहन करने की भगवान शक्ति दे। आप सभी अपना ख्याल रखिए।